लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना धौरारा क्षेत्र के शारदा नगर में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन चल रहा है। थाना धौरारा क्षेत्र के शारदा नगर में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन चल रहा है। खनन माफियाओं को नहीं रहा शासन का भय। गरीब और कमजोर लोगों के खेतों को जबरदस्ती तरीके से जेसीबी मशीनों द्वारा खोदकर बालू निकाली जा रही है। ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार खनन विभाग ने जिस घाटा संख्या का पट्टा किया गया है उसमें बालू की खुदाई नहीं किया जा रहा है। निश्चित बिंदु पर बालू की खुदाई न करते हुए किसानों के खेतों को खोदकर तालाब किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मुडी के निवासी बेवा दोपदरी पत्नी रामकिशन ने पत्रकारों को बताया कि मेरे खेत से बालू निकाली जाती है, मेरे मना करने के बावजूद खेत की खुदाई जारी है, जिसकी शिकायत धौरारा में हल्का लेखपाल को प्रार्थना पत्र दिया था। लेखपाल ने प्रार्थना पत्र धौरारा विधायक को दे दिया। विधायक मौके पर आकर खेत खोदने से रुकवा दिया था। दो दिन बाद खनन माफिया फिर से काम शुरू कर दिए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत है। अब इस बूढ़ी औरत को इंसाफ उच्च अधिकारी दिलाते हैं या नहीं। आपका क्या नाम है माता जी? द्रौपदी। पति का नाम? रामकिशन। कहाँ निवासी हो? मूढ़ी। ये आपने प्राप्त क्या मामला है? बालू वाला आपके खेत में खुदती है? खोदते हैं सब, मने करे पर मानते नहीं है। अच्छा, आपका वहाँ खेत है? जी, 18 एकड़ खेत है। हम का खाएंगे या का खिलाएंगे? आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? धौरहरा में दिया था। किसको? ओ विधायक जी के दिया था, लेखपाल साहब विधायक जी के दे दिए। तो आए थे विधायक जी तो चेक किया। हाँ, फिर तो कहें कि हम रुकवा देते हैं। फिर क्या हुआ? तो 2 दिन रोका था और उसके बाद फिर वही चालू हो गया। फिर चालू हो गया। फिर चालू हो गया। अच्छा,